देखिए कि किस तरीके से हवाई जहाज जो है सामने से आ रही है। लोग यहाँ इसीलिए कतार लगा के खड़े थे, तो हमने भी सोचा क्यों ना आपको ये दृश्य दिखाई दिया जाए। तो सामने देखिए किस तरीके से जो है हवाई जहाज जो है उड़ान भर चुकी है, ये देखिए, और कैसे कैसे जो है उड़ान भर रही है, ये देखिए ऊपर कैसे चला गया। तो जो फिल्म देखा होगा रंग दे बसंती में ऐसा सीन आता था, वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए। तो देखिए कि चेहरे पे मुस्कान है और जो युवा है देखिए किस तरीके से जो है तस्वीर ले रहे थे उड़ते हुए इस फ्लाइट का। देख लिया हवाई जहाज, हाँ देख लिया, फिर आ रहा है एक और, देख लेंगे कितना देर देखिएगा यहाँ, दो चार दस मिनट देखेंगे, देखेंगे नहीं, देखने पे क्या मने खुशी होता है अंदर से, कभी नहीं देखा इसलिए देख लेता हूँ। अच्छा। पाएंगे कि नहीं पाएंगे? वोट तो हम तेजस्वी को देते हैं सर, सब दिन हम यादव जी हैं सर, लालू जी को वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी का अच्छा काम है सर, अच्छा काम, बढ़िया। स्टेट में बिहार के लोग हंसता था, लेकिन अब वैसा बात नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार हम लोग दो बार वोट दिया, तीन बार दिया, लेकिन हम लोग क्या हुआ, कुछ नहीं। सामने एक बार और हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं और चार से पाँच मिनट में खड़े होते हैं, और हवाई जहाज का जो कतार है देखिए एक के बाद एक करके यहाँ कैसे उड़ान भर रहा है ये एरोप्लेन। ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है ये पटना हवाई अड्डे की तस्वीर है। कई सारे जो फ्लाइट्स हैं वो वहाँ पे लगे हुए हैं, जिस तरीके से ट्रेन जो है यार्ड में लगी रहती है उस तरीके से यहाँ हवाई जहाज़ भी लगी हुई है। और यहाँ ये फुलवारी शरीफ का एरिया है, इधर फुलवारी शरीफ स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है लॉकडाउन के बीच में, और यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के कई तरह की स्टोरियाँ जो हैं कवर कर रहे हैं। इसी बीच जो है हमें यहाँ पे एक नज़ारा दिखाई दिया कि यहाँ हवाई जहाज़ देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं हवाई जहाज़ देखने के लिए कि कैसे वो उड़ान भरती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा है हमें यहाँ पे, इसलिए हम भी यहाँ पे रुक गए और यहाँ जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं और यहाँ हवाई जहाज़ क्यों देखना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? चित्रकूट। चित्रकूट से आए हैं, क्या करते हैं आप? दवा बेचते हैं, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी बेचते हैं, तो यहीं आसपास ही बेचने का काम कर रहे हैं? बस यहीं बगल में दुकान। अच्छा, तो यहाँ हवाई जहाज़ देख रहे थे रुक करके? हाँ, हवाई जहाज़ पे चढ़ने की इच्छा होती है? नहीं उतना, कभी चढ़े हैं? कभी नहीं चढ़े। अच्छा, तो क्या देख रहे थे यहाँ बताइए? उड़ा कैसे उड़ती है? देखा अभी तक? कहाँ देखा है? एक भी देखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया? कुछ नहीं जी। अच्छा, तो ये बताइए बिहार में आप आए हैं, बिहार में कब से यहाँ रह रहे हैं आप? यही चार पाँच साल से यहाँ है। तब तो यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, वो भी आपने देखा होगा क्या सुविधा है क्या नहीं। तो चुनाव भी होने वाला है, पता है ना? सब मालूम है। हाँ, तो क्या लगता है यहाँ पे, क्या कौन सी सरकार अच्छी लग रही है? नीतीश कुमार का अच्छा काम लग रहा है? अच्छा लगता है, सब जगह है, सब जगह अच्छा लगता है, सबका अच्छा लगता है। सबका कैसे अच्छा लगता है? आप वोट देते हैं? देते हैं। कहाँ? यूपी में? यूपी में है, इलाहाबाद के आगे। अच्छा, यूपी में है, वहाँ देते हैं। तो वहाँ की सरकार कैसी है? ऐसी है, ऐसी है। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन हुआ, क्या करते हैं चंदन जी? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, कब से चला रहे हैं? हमें हो गया 12 साल। लॉकडाउन का कुछ असर वसर हुआ है उस पर? बहुत असर है, गाड़ी घोड़ा खड़ा है सर, हम लोग को तो अपने भूख मरने पड़ रहा है। तब मतलब कोई आमदनी अभी नहीं हो रही है? आमदनी क्या है सर, वही गाड़ी खड़ा है तो आमदनी कहाँ कुछ हो रहा है सर। गिट्टी बालू का तो बिजनेस चल रहा है? हाँ, अभी तो अब चालू हुआ है सर, इन्हें 10 दिन से चालू अच्छा, हुआ अच्छा, है अच्छा। बालू है तो सरकार ने बंदिये किए हुए है सर। हाँ। तो हम लोग का गाड़ी घोड़ा तो खड़ा है ना। जो नीतीश कुमार हैं क्या सोचते हैं उसके बारे में? हम लोग का तो चाहिए उनका सर कि कम से कम बालू चालू कर दे कि गरीब लोग जिए। बालू अगर नहीं चालू होगा सर तो कामे नहीं लगेगा, तो लेबर मजदूरा कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से सर। अच्छा, दिक्कत आ रहा है ना? दिक्कत बहुत आ रहा है सर। तो क्या लगता है, वोट उठ देते हैं? वोट तो देते हैं सर। इसको दीजिएगा नीतीश की तेजस्वी? वोट तो हम तेजस्वी को देते हैं सर, सब दिन हम यादव जी हैं सर, लालू जी को वोट देते हैं। हाँ, तो तेजस्वी यादव को जिताइएगा? हाँ, तेजस्वी यादव। क्या लगता है, जीत जाएंगे? हाँ, जीतेंगे सर। लालू जी लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते? नहीं, हम लोग तो नहीं देते हैं सर। ऐसा काहे है, यादव यादव को ही देता है? हाँ सर, हम लोग वोट देते हैं उन्हीं को। अच्छा, तो जात वाला मतलब देख करके वोट डालते हैं जी? तब क्या करे सर, हैं अब क्या करे?
तो जात को भी जात भाई देख के वोट दीजिएगा, काम कैसे होगा? जात को भी तो नीतीश कुमार को वोट दिए सर, तो हम लोग अगर जीते तो कहाँ हम लोग के कुछ किए दिए थे माने ना वोट देवे किए थे सर तिरछा। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आप है? यहीं से दानापुर क्षेत्र से हैं सर। दानापुर में कौन खड़ा होते हैं? यहाँ से होते हैं सर रामकृपाल यादव अभी हुए थे, तो सांसद है। विधायक में कौन है? विधायक है आशा देवी है। नहीं काम किए हैं? नहीं सर, हम लोग के कार्ड रोड देखिए ना सर कैसे है सर। हाँ। रोड देख लीजिए सर, एक टूटा हुआ है, टूटा हुआ है सर, पूरा कीचड़ लगता है आने जाने में सर। तो मैंने तेजस्वी को दीजिएगा ना, लगता है कि काम होगा ना। हाँ, तेजस्वी न जीते हैं तैयो सर रोड़ा फोड़ा भड़वा उड़वा के हम लोग अनजान हवाई जहाज देखने का काम किए कि नहीं? दिखा देखे सर, देखे देखे आ रहा है उधर भी सर। ठीक है, तो आइए और भी लोग से थोड़ा यहाँ जानते हैं। सब लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। पहले कह देना चाहेंगे कि कैमरे में आपको दिखा दिया जाए, वहाँ एक एरोप्लेन है, वो वहाँ से घूम करके शायद उड़ान भरने के लिए तैयार है। और यहाँ जो है लोग जो है यहाँ उसी को देख रहे हैं, यहाँ तीन चार लोग हैं। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ चचा? आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए इधर आइए इधर आइए। बताइए क्या नाम है? सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह नाम है। तो क्या दिखता है अभी जो यहाँ देख लिए हवाई जहाज? एयरपोर्ट देख रहे हैं, इधर हवाई जहाज उड़ान भरेगा। तो अभी आ रहा है हवाई जहाज, वही देख रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, बिहार के राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, हम लोग दिलचस्पी नहीं है, क्या दिलचस्पी रखेंगे। कौन सरकार बढ़िया काम कर रहा है? सरकार तो मोदी सरकार अच्छा है, मोदी सरकार अच्छा है बिहार में। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो राजनीति में है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हम लोग दो बार वोट दिया, तीन बार दिया, लेकिन हम लोग क्या हुआ, कुछ नहीं। तेजस्वी यादव तो सर उनसे तो हमको कोई संपर्क भी नहीं है। हाँ हाँ, तो थोड़े देर के लिए हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो ये नज़ारा यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं, देखिए कि किस तरीके से हवाई जहाज जो है सामने से आ रही है। लोग यहाँ इसीलिए कतार लगा के खड़े थे, तो हमने भी सोचा क्यों ना आपको ये दृश्य दिखा ही दिया जाए। तो सामने देखिए किस तरीके से जो है हवाई जहाज जो है उड़ान भर चुकी है, ये देखिए, और कैसे कैसे जो है उड़ान भर रही है, ये देखिए ऊपर कैसे चला गया। तो जो फिल्म देखा होगा रंग दे बसंती में ऐसा सीन आता था, वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए। तो देखिए कि चेहरे पे मुस्कान है, और जो युवा है देखिए किस तरीके से जो है तस्वीर ले रहे थे उड़ते हुए इस फ्लाइट का। तो इधर आइए, आपका नाम क्या है? मिराज आलम। आप आइए, आपका क्या नाम है? रहीम अली। तो आप लोग का 18 वर्ष उम्र हो गया है? नहीं है? नहीं, अभी वोट वोट नहीं डालते नहीं। घर में लोग किसको वोट देते हैं? घर में TNC को। हाँ, TNC मोदी को। मोदी को? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जी? नहीं जी, नहीं लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कैमरा देख रहे हैं सामने, इसलिए झूठ तो नहीं। नहीं, बिहार में किसको सीएम बोल रहे हैं? बिहार में कौन मुख्यमंत्री लायक मानते हैं? अब जो वोट डालने वाला वही ना बताएगा। तो होगा ना, कब 18 वर्ष कब होगा? पूरा हो रहा है 3 साल बाद, पूरा 3 साल बाद हो रहा है। तो देखते होंगे घर में चर्चा चलती होगी। नहीं हाँ, तो हम यहीं पे रहते हैं, घर में तो नहीं रहते हैं। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री बताइए? बिहार के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है, अच्छा। आपका कौन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जहाँ रहते हैं आप? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, यहाँ पढ़ाई करने के लिए पटना में है? घूमने के लिए आए। घूमने के लिए? लॉकडाउन में घूम रहे हैं? नहीं, यहाँ पे आए। लॉकडाउन में घूम रहे हैं? यहीं पे आए हैं, थोड़ा रिलेशन में। अच्छा अच्छा, पटना में आए ना, चलिए ठीक है। आइए, यहाँ एक और चचा है, क्या नाम है चचा ही बताइए पहले? टुनटुन शर्मा नाम है सर, लेकिन हम तो कंपनी में काम करते हैं। कौन सा कंपनी? NCC में। NCC में करते हैं, रहते कहाँ हैं? झारखंड का है हम। झारखंड के हैं, तो वोटर भी वहीं के हैं। हाँ सर, ये बताइए झारखंड में बड़ा चर्चा है हेमंत सरकार का, कैसा काम करते हैं? मतलब काम तो उनका तो सर हम तो रहते नहीं है, हम तो ज्यादा करके आपको कंस्ट्रक्शन में वोट देते होंगे। हम वोट किसको देते होंगे? दिए कि नहीं इस बार? हम दिए सर, जय श्री राम सर। भाजपा को बस, हम जो है जय श्री राम है सर, इसके लिए का काम अच्छा लगता है जो भी है हमारा, कहीं भी जय श्री राम। बिहार में कितने साल से हैं? मतलब सर बिहार में तो हो गया लगभग 1-2 साल हुआ सर।
एक दो साल है यहाँ पे हम लोग डेढ़ साल में हाँ। क्या देखे हैं जो मौजूदा यहाँ नीतीश कुमार है, बढ़िया काम वाम है, ठीक है कि दूसरा को नहीं, मौका नीतीश कुमार जी का अच्छा काम है सर, अच्छा काम है। पहले बिहार का नाम क्या सुनते थे, पहले मतलब अदर स्टेट में बिहार के लोग हंसता था, लेकिन अब वैसा बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर, बढ़िया काम कर, बहुत विकास है सर। पहले से बिहार जितना विकास में, लोग बोलते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, अच्छा अदर स्टेट में, अच्छा लेकिन अब वो बात नहीं है सर। आइए ठीक है, आइए एक और शख्स से आपको मिलवाते हैं। यहाँ कई लोग हैं, विभिन्न विभिन्न तरह के जवाब आ रहे हैं। देखिए यहाँ हरा गमछा लपेटे हुए, क्या नाम है सर आपका? दिनेश्वर प्रसाद हैं, दिनेश्वर प्रसाद भैया। तो किसको देते हैं वोट? यहाँ हमको घर लेना है। कहाँ है घर? फतुहा पड़ता है। फतुहा में? फतुहा में कौन विधायक है अभी? यहाँ पढ़ते हैं कच्ची जगह। अच्छा वो सब छोड़िए, ही बताइए बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार, क्या सोचते हैं? बढ़िया है? हाँ बढ़िया बढ़िया है। आपको लग रहा है कि नीतीश को तेजस्वी यादव के आदमी है ये? गमछा उमछा लगाए हुए हैं, पूरा हरा हरा आरजेडी समर्थक जैसा दिख रहे हैं। हाँ बोलिए ना। यादव है आप? हाँ है? नहीं तब यदुवंशी है। क्या यदुवंशी है? यदुवंशी तो यादव हुए ना? नहीं यादव नहीं पड़ता है। तब नेपाल पड़ता है। कौन जात होता है? जात होता है अगर कहार, कहार होता है। तो किसको बढ़िया मानते हैं? तेजस्वी यादव का नाम सुने हैं? हाँ सुने। कौन है? हम तो ऐसे सुने हैं, पहले नीतीश कुमार के मानते थे, अब हाँ अभी तो उनके मान रहे हैं। अभी भी वहीं जा रहा है, वोट वहीं जाता है जदयू में। तेजस्वी यादव को कैसा मानते हैं? तेजस्वी यादव मानते हैं, ठीक मानते हैं, बढ़िया। चलिए ठीक है। एक और यहाँ शख्स हैं, ये भी जरा बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? अशोक मंडल हैं। इधर आ जाइए, देखिए कैमरा में धूप आएगा, इधर घूम जाइए, इधर इधर आइए। हाँ अशोक मंडल। हाँ जी। अच्छा तो ये बताइए, यहाँ देख लिया हवाई जहाज? हाँ देख लिया। फिर आ रहा है एक और, देख लेंगे। कितना देर देखिएगा यहाँ? दो चार दस मिनट देखेंगे। देखेंगे नहीं, देखने पे क्या मने खुशी होता है अंदर से? कभी नहीं बैठे हैं इसलिए देख लेता हूँ। बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? देखिए कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं, देखिए हवाई जहाज देख करके ही चेहरे पे कितनी स्माइल आ जाती है, कितनी खुशी झलकती है, ये देखने वाली बात है। और गरीबी किस तरह से हावी होती है ये भी दिखाई देता है, मासूम से चेहरे पे क्या दिखता है आप भी देखिए। अभी जो सरकार है उससे खुश है नीतीश कुमार है यहाँ? हाँ अच्छा है, है? अच्छा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आप लोग का रोजगार क्या करते हैं? मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी मिल रहा है अभी? अभी काम मिल रहा है। लॉकडाउन में तो दिक्कत हो रहा होगा? पूरा दिक्कत है। नीतीश कुमार बोले कि बिहार में जितना बाहर के मजदूर है आएगा सबको रोजगार देंगे, मिला? काम कुछ नहीं मिला है, है? कुछ नहीं रोजगार मिला। कैसे कह रहे हैं कि बढ़िया है नीतीश कुमार? तब क्या कर सकते हैं, हम सब तो मूर्ख आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव भी है ना एगो, लालू यादव के बेटा, जानते हैं ना? हम उतना नहीं जानते हैं। नहीं जान, लालू यादव के नाम सुने हैं? हाँ लालू यादव का नाम सुने। लालू यादव के बेटा है, तेजस्वी को नहीं जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। नाम भी नहीं सुने हैं? नाम सुने हैं सर, जानता पसंदते नहीं तो क्या मैं बोलूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए तो आपको ये सब प्रोग्राम कैसा लगा है ये बताना नहीं भूलिएगा। और सामने जो है देखिए कि हवाई जहाज का सामने एक बार और हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं और 4 से 5 मिनट में खड़े होते हैं। और हवाई जहाज का जो कतार है देखिए, एक के बाद एक करके यहाँ कैसे उड़ान भर रहा है ये एरोप्लेन। अभी लगता है ये उड़ेगा नहीं, उधर से लैंड हुआ है तो ये घुमा करके फिर से उधर वापस जा रहा है, रनवे पे है। तो ये दृश्य था तो हमने सोचा कि आपको जो है दिखाना बहुत ज़रूरी समझा हमने, इसलिए हम यहाँ पे रुक के जनता से बात भी किया है। और देखा आपने कि किस तरीके से छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं इसी को देख करके जो गरीब लोग होते हैं कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बस हमारा यही एक मकसद था आपको दिखाना। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको कैसा लगता है ये हमारा प्रोग्राम, अभी जो वीडियो हमने दिखाया उसको कमेंट में जाकर ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।